रोजे मजे मजे से गुजर रहे थे। मुराद भाई ने मुझे रमजान के महीने का एक कैलेंडर बना के दिया था और मैं रोज कैलेंडर पे निशान लगाता हूँ। इस तरह मुझे याद रहता है कि कितने रोजे गुजर गए हैं और कितने रोजे रह गए हैं। ईद आएगी, एक दो तीन, अभी भी तीन रोजे बाकी हैं। दादी जान, ईद कब आएगी? तुम रोज यही पूछते हो जान, और मैं तुम्हें रोज बताती हूँ शवाल की पहली तारीख को। लेकिन आप मुझे ये नहीं बताती कि रोजे 29 होंगे या 30। ये तो कोई भी नहीं बता सकता जान बेटा। क्या ये कोई राज की बात है? नहीं जान, ये तो हमें चांद नजर आने के बाद ही पता चलेगा कि 29 रोजों के बाद अगले दिन ईद होगी या फिर रोजा। यानी अगर चांद नजर आ जाए तो ईद और ना नजर आए तो रोजा। बिल्कुल ठीक कहा दादी जान। इस बार मैं खुद चांद ढूंढूंगा और वो भी दूरबीन लगाकर, ताकि वो जल्दी मिल जाए। ठीक है जान बेटा, फिर इस बार चांद ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और आखिरी रोजे में मैं खुद चांद ढूंढूंगा। फिर मुराद भाई ने कहा था ईद यकम शवाल को होगी। 27 रोजे हो गए थे और मैंने सोच लिया था इस बार चांद मैं ही ढूंढूंगा और फिर हम सब धूमधाम से ईद मनाएंगे। तो बताओ दोस्तों, कैसा लगा मेरा प्लान? ठीक है, हम शाम को वहाँ पर इकट्ठे होंगे। हाँ, ठीक है, हम चांद जरूर ढूंढेंगे। चांद, क्या मैं अपनी दूरबीन ले आऊँ? उससे दूर की चीजें आसानी से नजर आ जाती हैं। गुड आइडिया, ले आना, हम सब मिलकर चांद ढूंढेंगे। लेकिन हम चांद ढूंढेंगे कहाँ? यहीं इसी पार्क में। नहीं, हम छत से चांद ढूंढेंगे, पार्क से तो नजर नहीं आएगा। तुम ठीक कह रही हो, हमें छत पे खड़े होकर चांद ढूंढना चाहिए। मुझे तो लगता है चांद बहुत आसानी से नजर आ जाएगा, इतना बड़ा तो होता है। नहीं, दादी जान बता रही थी कि चांद बहुत बारीक सा होगा, जैसे रमजान की पहली तारीख का चांद था, बिल्कुल वैसे जैसे हाफ सर्कल। मिशन चांद रात, मजा आएगा। मैं जान और मैं चांद ढूंढूंगा, मैं जान और मैं चांद ढूंढूंगा, अपने दोस्तों के साथ चांद ढूंढूंगा। जान, तुम ये बैग और दूरबीन लेकर कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान, मैं चांद ढूंढने जा रहा हूँ ताकि ईद हो जाए। अच्छा जान बेटा, लेकिन पहले हमारे साथ अफ्तारी तो कर लो। बाबा जान, मेरे दोस्त छत पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जान, लेकिन जल्दी आ जाना। जी अम्मी जान। पता नहीं इसको चांद ढूंढने का शौक क्यों पैदा हो गया है। वो इसलिए मुराद बेटा कि उसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईद मनानी है, ये उसने मुझे बताया था। मुझे नहीं लगता कि वो चांद ढूंढ सकेगा। चांद कब नजर आएगा? पता नहीं। देखो इस तरह देखते हैं। हम चांद नहीं ढूंढ सके। कोई बात नहीं, चलो दोबारा कोशिश करते हैं। हमने
हमने चांद ढूंढ लिया। ये वाह, हमने चांद ढूंढ लिया। जान जल्दी से नीचे आ जाओ, चांद नजर आ गया है। कल ईद होगी, टीवी पे आ रहा है। जी हाँ, और पता है हमें भी चांद नजर आ गया। हमारी तरफ से चांद रात मुबारक आप सबको। और आखिरकार मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत के साथ मिलकर चांद ढूंढा। उसके बाद हम सब घर वाले शॉपिंग के लिए बाजार गए। मैंने और मुराद भाई ने ईद के लिए कपड़े और जूते लिए, और अम्मी जान ने मरियम के लिए चूड़ियां ली और इसे मेहंदी भी लगवाई। चांद रात हमने इस तरह मनाई और बहुत मजा आया चांद रात को। क्या आपने भी ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं की तो जल्दी कर लें, क्योंकि ईद बहुत करीब है। और ईद पर अपने डिजर्विंग दोस्तों को मत भूलिएगा। और मेरी ईद किस तरह गुजरी ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।